लिवर एश अंदर नहीं दिखती आपको, सरकारी प्रोएक्टिव होके बुला रही लोगों को, इन्वेस्टर को, और जो सिंगल विंडो सिस्टम का नया रूप दिया अभी हम लोगों ने, उसका भी असर है। तो पहले जो तकलीफ होती थी वो बहुत कम हुई है, मैं नहीं कहता बिल्कुल ख़त्म हो गई होगी, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि और कैसे समाप्त हो। पर पहले ज़माने में बहुत बदनामी होती थी राजस्थान की, कि जाते हैं तो कोई परवाह करता ही नहीं है, वो स्थिति अब नहीं रही है। इन तमाम हालातों में मैं समझता हूँ इन्वेस्टर आना चाहते हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं आज भी तारीख में दूसरे दिन भी आज अधिकांश लोग बैठे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि फिर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल आ रहा है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और 383 स्क्वायर किलोमीटर पे जो डेवलप एरिया होगा, और 383 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने जब आइडेंटिफाई किया है तो कुछ सोच के किया होगा भाई, इतने ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे, MSME जितने लगेगी, प्लास्टिक आधारित लगेगी, पॉलीमर आधारित लगेगी, तो मैं समझता हूँ कि टोटलिटी के अंदर एक माहौल राजस्थान बनता जा रहा है। फिर तेल निकल चुका है राजस्थान के अंदर, हर सेक्टर के अंदर मैं समझता हूँ कि बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार सोलर के अंदर बहुत लोग आ रहे हैं, हर क्षेत्र में लोग आ रहे हैं इन्वेस्टर, और आने वाले वक्त में रोजगार भी बढ़ेंगे राजस्थान में, मेरा मानना है। क्योंकि सरकार करीब 3.25 लाख रुपये 3,55,000 के लगभग नौकरी दे रही है, तो सरकार की एक सीमा होती है, ये भी रिकॉर्ड होगा मेरे ख्याल से, 3,55,000 नौकरी देने का भी रिकॉर्ड होगा राजस्थान के अंदर। हो सकता है अगले बजट में हम लोग और कुछ संभावना पता करेंगे, और संभावना है क्या, तो इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये जो एस्टिमेट इसका है 11 लाख करोड़ के इन्वेस्टर का जो MOU है, सब भी नहीं आएंगे, मान लीजिए नहीं आएंगे, प्रयास करेंगे 50% तक पहुँचे, हम लोग प्रयास करेंगे, टारगेट रखेंगे, ज़्यादा तक रखेंगे, पर 50 तक पहुँच जाएँ बहुत बड़ी बात है। पूरा होता तो करीब 9 लाख लोगों को रोजगार मिलता है इसमें, हो सकता है पूरा नहीं मिल पाए, पर हम तो कहना चाहेंगे सच्चाई है वही है कि इन्वेस्टमेंट पूरे आते नहीं है, कई अड़चन आती है, कई इन्वेस्टर खुद बैकआउट हो जाते हैं, उनकी तकलीफ हो जाती है, और कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं ही कह सकता हूँ। हमें बहुत अच्छा रहा है MSME को, हमारा जो सरकार बनते ही हमने एक्ट बना दिया 19 के अंदर ही, उसका अच्छा इम्पैक्ट है, इसीलिए आज MSME वाले से बैठे रहते हैं। ठीक है ये मुद्दा बनाना बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। कल मैं सुन रहा था राजेंद्र राठौड़ साहब को, वो जब तक बोलते नहीं है मीडिया के अंदर तब तक उनको रात को नींद नहीं आती है, बोलना जरूरी उनके लिए, वरना उनकी बोलने में कोई दम नहीं है, ये उनके उल्टा पड़ेगा। जितना विरोध करेंगे और नौजवान कहेगा मुझे जो सुविधा मिल रही है, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, उनको आप बीच में क्यों संकट पैदा कर रहे हो, ये कोई प्राइवेट प्रॉब्लम तो है नहीं, प्रोग्राम तो है नहीं, ये तो इन्वेस्टर का है। जो अभी जो 3,000 लोग आए हैं, क्या 3,000 लोग कांग्रेस के लोग हैं? ये लोग इसमें कांग्रेस बीजेपी कोई हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में ये लोग क्यों इस प्रकार अड़चन पैदा करना चाहते हैं? मैं उनको कंडेम करता हूँ, इन लोगों को, जिस प्रकार कल इन्होंने मीडिया में चलाने का प्रयास किया मिस्टर गौतम अडानी को लेके भी, हमें गौतम अडानी हो या कोई भी अडानी हो, अंबानी हो, अडानी हो, अमित शाह के लड़के का नाम जैसा है वो हो, हम सबका स्वागत करें यहाँ पर, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हमें तो रोजगार चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।